हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। दी बुड वर्ग में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए ले गए बुड प्लानर मशीन, जो कि हम अनबॉक्सिंग करके आपको चला के दिखाएंगे कि कैसे यूज़ किया जाता है इसको। और चीज़ इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। जो कि हमारे हाथ में डोंगचिंग कंपनी की बुड प्लानर मशीन है, अभी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने ये डोंगचिंग कंपनी की प्लानर मशीन पड़ी है, जो कि बुड के काम आती है, बुड को प्लान करने के काम आती है। तो इसको हम, जैसे इसका मॉडल है ये DMB82 मॉडल है, 82 mm का है ये। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये इसकी ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। सबसे पहले बता देते हैं आपको कि हम कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं बना रहे, ये हम खुद से परचेस करके ले गया है। हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए, तो आपके काम भी आ सकती है, अच्छी चीज़ है, तो मैंने सोचा शेयर किया जाए। तो चलिए दोस्तों इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी हमारे को सबसे पहले इसका यूजर मैनुअल मिलता है, और इसके साथ हमको वारंटी कार्ड भी मिलता है, और इसके साथ हमको ये कार्बन भी मिलता है। ये ओरिजिनल कार्बन है, ये संभाल के रखने पड़ेगा, हमको दोबारा कभी काम आ सकते हैं। तो इसको साइड में कर देते हैं। तो उसके बाद में हमको ये वाली चीज़ मिलती है, इसको जो ब्लेड होते हैं उसको शार्प करने के लिए ये काम आते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये मिलती है हमारे को, ये मैंने यूज़ नहीं किया अभी, तो यूज़ करके बताऊँगा कैसे करते काम। तो इसके बाद हमको ये वाली आइटम मिलती है, जो कि इसकी ठल का काम करती है। तो इसके आगे में लगती है वो ठल, जैसे कि इसको ठल बांध के काम करना है तो उसके लिए काम आती है ये वाली चीज़। इसको कर देते हैं साइड में। और ये हमारी प्लानर मशीन है, तो ये डोंगचिंग कंपनी की है। वेट भी इसका अच्छा है, वेट नॉर्मल मशीन से वेट अच्छा है, ताकि हमको जोर ना लगाना पड़े। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा प्लानर मशीन है, अनबॉक्स हो चुका है। तो इसके साथ में हमको ये वाले ब्लेड भी मिलते हैं, ये डिप वाले ब्लेड है, हाई क्वालिटी के ब्लेड है ये। एक और दो ब्लेड हमको मिल जाते हैं इसमें, आप देख सकते हो गौर से, ब्लेड की शार्पनेस देख सकते हो। और इस साइड में इसकी बेल्ट है, तो इस साइड में इसकी मोटर है, और इसमें हम वैक्यूम भी लगा सकते हैं, जो वैक्यूम लगाना चाहते हैं हम वो भी लगा सकते हैं। तो जो आप ठल देख रहे थे वो इसमें इस तरह से, वो इसमें इस तरीके से फिट हो जाती है। इसको हम टाइट कर देंगे और इसके साथ लकड़ी लगा के ठल बना सकते हैं। इससे हम प्लानर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम ढीला करेंगे तो ये बाहर का आ जाएगा, जो टाइट करेंगे ये अंदर की साइड में चला जाएगा। तो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है डोंगचिंग कंपनी का। तो ये वाली चीज़ है जो मेटल की है, ये प्लास्टिक की है, तो ये सारी प्लास्टिक की बॉडी है और कॉम्पैक्ट साइज है, कि बहुत बड़ा साइज नहीं है, कॉम्पैक्ट साइज है। तो इसकी प्लेट भी देख सकते हो आप, इसकी स्मूथनेस देख सकते हो इसकी, तो कितनी अच्छी स्मूथनेस है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हम ब्लेड को भी बांधना सिखाएं, कि कैसे बांध सकते हैं हम ब्लेड सही तरीके से कैसे बांधें, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो हमको कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ब्लेड बांधने की वीडियो चाहिए, तो हम फिर ही वीडियो बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। इसमें ये बटन, एक बटन दिया है जिसको हम चलाने के बाद लॉक भी कर सकते हैं, ऐसे करके ये लॉक हो जाएगा, तो इसको चला सकते हैं हम, ठल के साथ भी बांध सकते हैं किसी के साथ इसको। तो इसको फिर से छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा इसके साथ। तो और इसमें आप देख सकते हो डोंगचिंग कंपनी का है, ये मॉडल दिया हुआ है। तो इसमें 220 से 240 वोल्ट चाहिए, तो 500 वाट की ये मशीन है। तो इसमें 16000 RPM है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब पढ़ सकते हो, आपको जो चाहिए पढ़ना तो पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें मॉडल नंबर भी दिया है, तो आप भी परचेस कर सकते हो इसको। इसको आपने परचेस करना है तो मैं ऑनलाइन लिंक भी दे दूंगा आपको परचेस करोगे। ये 3500 की आपको पढ़ सकती है, उससे कम भी पढ़ सकती है, ज़्यादा भी पढ़ सकती है, क्योंकि रेट अप डाउन होता रहता है। तो मैं इसका परचेस लिंक दे दूंगा, बट मैंने ऑफलाइन मार्केट में परचेस किया, तो मैंने ऑनलाइन भी डाल दूंगा आपके लिए। इसका साउंड कैसा और इसकी जो सफाई है वो कैसे आती है, तो इससे पहले हम इसकी वायर खोल लेते हैं। इसकी वायर भी देख सकते हो, वायर भी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी क्वालिटी है, और इसकी वायर भी लॉन्ग है, जैसे कि आप देख सकते हो इसकी वायर की क्वालिटी भी अच्छी है और वायर भी लॉन्ग है। अभी हमने इसकी वायर को प्लग में कर दिया है, तो अभी हम इसको चालू करके देखते हैं और इसका साउंड कैसा है।
ये वजन में बहुत हैवी है, जब भी हम लकड़ी में रंदा लगाएंगे उसमें वजन डालने की जरूरत नहीं है हमको, ऐसे हम नॉर्मल लेते हैं तो उसमें वजन डालना पड़ता है तो हाथों में प्रॉब्लम होती है, इसमें वजन डालने की जरूरत नहीं। ये हैवी मशीन है, बहुत ही हैवी क्वालिटी की मशीन है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। पर मैंने इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा दिया, जो भी है इसका आपको दिखा दिया, आपको अच्छी लगे तो आप परचेस करना, नहीं अच्छी लगे तो मत करना, ठीक है, अपने हिसाब से कर सकते हो, जरूरी नहीं है यही परचेस करनी है, पर मेरे को अच्छी लगी तो मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया है ये। इसको हम लॉक भी कर सकते हैं ऐसे बटन दबा के, अभी हम इसको रंदा लगा के देखते हैं, किसी को लकड़ी को लगा के देते हैं कितनी सफाई देता है हमारा। तो आपको पता है जो कि सागवान की लकड़ी है बहुत हैवी होती है और हार्ड होती है, तो नॉर्मल मशीन नहीं इसमें काम करती, तो इसको हम आपको रंदा लगा के दिखा सकते हैं और हम इधर से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना रंदा लगा। दोस्तों देख सकते हो आपने, मैंने एक ही रगड़ा लगाया है और नहीं लगाया, एक ही लगाया है, देखो कितनी सफाई दे रहा है, एक में ही देखो कितना मशीन का जोर भी नहीं होता और सफाई भी देखो कितनी दे रहा है, एक ही रगड़े में कितना काम कर दिया इसने। तो ये लकड़ बहुत हार्ड होती है, तो एक ही रगड़ा लगाया है इसका। ये अभी कम हो गया, इसको थोड़ा और ज़्यादा कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि कितनी अच्छी सफाई दे रहा है, इसमें जोर भी नहीं लगता, इसमें वजन डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये सफाई दे देता है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है या मशीन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।